राधे राधे, वेलकम टू द अंदर ब्लॉग। तो मैं बहुत आराम से बढ़िया सो रहा था कि जाना है 4 बजे और ऑफिस से कॉल आया, 2 बार कॉल आया तो हम कॉल उठा लिए। तो सर बोले कि यार आज चले आओ 12 बजे, तो 12 बजे मुझे जाना है। तो क्या खत्म नहीं होता? अभी अभी आए हैं ब्रश व्रश करके, अब जा रहे हैं, थोड़ा वियर्ड वियर्ड सेव कर लें, बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई। कोई आ जाएगा बोलेगा बताओ सेव नहीं करते हो, तो चलते सेव करते हैं, क्योंकि हम सेव रखेंगे तो हमारे नीचे वाले भी सेव रखेंगे। तो चलो सेव करते हैं, उसके बाद फिर नहाते ही हैं, कुछ खाते पीते हैं। चलो भाई नींद में ही है हम, अभी क्या करें। सब सेव वेव करके मैं रेडी हो चुका हूँ, लेकिन देखते हैं। पापा बारिश हो रही? बारिश नहीं, यार बारिश हो रही है। हमारे चुंटू भी हो आज बाहर को घूमे हैं, बारिश हो रही थी तो वहाँ जहाँ टायर पड़ा है, टायर पे जाके बढ़िया चढ़ के खड़े थे एक पाँव पे ऐसे बकुला जैसे। हो तो रही है बारिश, लेकिन हल्की हल्की हो रही है। मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ, पता चले बारिश तेज हो जाने लगी तो हमको पहुँचना भी है, बड़ी दिक्कत है। थोड़ा बैठ जाते हैं। ऐसे सोने को मिल जाए बालकनी में तो कितना बात सही है। Four hours later. मैं ड्यूटी आ चुका हूँ और इस टाइम बज रहा है 2 बज रहा है और मौसम इतना तगड़ा हुआ है कि मन कह रहा है कि यहीं सोऊं जाऊं ना घर, इतना तगड़ा लग रहा है क्योंकि मिरर के सामने देख रहे हो इतना मस्त लग, पूरा उससे बारिश जैसा हो गया है मौसम, पूरा काला काला हो गया है। इन लोग को देखो, थोड़ी सी बारिश क्या हुई, पूरा टपकने लगा छत ही, चेयर वेयर हटानी पड़ी। वही लोग बढ़िया बढ़िया गाने बजा रहे हैं, ये यहाँ पानी गिर रहा है ऊपर से, इसमें बारिश बहुत बढ़िया हो रही है। yeah. स्कूटी हमारी वहाँ खड़ी है, नदी नाला बन गया है। भाई अचानक से किसके दर्शन हुए पता नहीं, कहाँ से ये सब अचानक से आ गए। वो जो गुटरू था हमारा वो बाहर था, अचानक से भागते हुए आए, तो मैं सोचा क्या हुआ तो देखा, ये देखो बगल ही में जा रहा भाई, और उधर सब है। उधम मचाएंगे ये सब बढ़िया से, उसको देखो कैसे वही उल्टा लटक के जा रहा, पता नहीं कैसे कैसे सब। सही टाइम पे भाई ये लोग आए हैं, मेरा काम भी कंप्लीट हो गया जो स्कूल का था, और अब भाई आराम से यहाँ बैठूंगा और देखूंगा। मेरे पीछे निकल गया था, आया ऐसे, जब भी हमको देखेगा चिंटी तो अंदर नहीं आएगा, लेकिन ऐसे मेरे पीछे भागते हुए चला गया अंदर। oh, no! इन सबको देख करके भाई एक और आ गए हैं। हाँ मैं यह कूदेंगे अभी, कूदो कूदो कूदो, आलस आ रही है, कह रहा अभी नहीं कूदूंगा। कहाँ जाएंगे भैया, जाना कहाँ जा रहा, लगता है इसके जान नहीं, कूद उद नहीं पेट पा, कूद उद नहीं पा। क्या हुआ भैया, एकदम बंदर ही बंदर है, देखो पीछे मेरे, और एक इधर बैठा है। क्या हुआ इसको, देखो कहाँ से खड़ा हुआ, इसको कौन भगा दिया, अरे अंदर करो। क्या हुआ, भगा दिए चिंटी को यहाँ पे, और बाहर सब बंदर,
अब ना बेचारा उधर का ना इधर का। A few moments later। वाह अभी भी है क्या? क्या हुआ? अरे भैया ये सब कहाँ से आ रहा है? ये देखो। पॉलिथीन भर के रखी हुई थी कल लेकिन। आराम से उसका बयान लिया और उसको वापस भेज दिया। भैया बहुत है। ये पूछेगा हमको लग रहा है। टाइम हो रहा है 11 बजने वाला है और स्कूल से जो काम मिला था वो मैं अभी तक कर रहा हूँ। दोपहर में थोड़ा बहुत किया था उसके बाद रख दिया था, फिर से अब करने बैठा हूँ। भैया कॉल आया था कि 10 से वो 2 बजे आएगा तो मैंने कहा कि तब तक काम ही निपटा लेता हूँ अपना। बैठ के लिख रहा हूँ भाई, इतना लिखा हूँ। और ये हमारे चिंटू जो पता नहीं कैसे सोते हैं और कब सोते हैं।